हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। अभी आपको लेकर के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021, जो यानी कि जिसका यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है, दोनों क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि फिजिक्स का है, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी तुरंत। और आप लोग जो है बुक निकाल के रखें, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे फटाफट आपको बुक में ही मिल जाएगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, एग्जाम में सबसे पहले आपको यहाँ 6 नंबर में क्या क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आना, यहाँ पे देखिए कहा अंकों का वितरण, यहाँ पे प्रयोग, यानी कि प्रयोग से आपको यानी कि 3 क्वेश्चन बनाना है, जो कि 15 नंबर का होगा। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन होगा ये वाला, और क्रियाकलाप से आपको जो यहाँ पे 5 नंबर का, और रिकॉर्ड से है 5 नंबर, और मौखिक है 5 नंबर। तो आपको यहाँ पे देखिए कैसे बना, सेक्शन ए में आपको आना है। सेक्शन ए में आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन आपको दिया गया है। 9 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि 30 नंबर का आपका ये यानी कि पूछता है ना। तो आप लोगों को पता होगा कितना का ये पूछता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है पहला का आंसर आप जानते हैं, तो पहला का आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आसान जो है आपको किताब में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, यानी कि सोनोमीटर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा लेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। ये आपको यानी कि आपके फिजिक्स में ही मिल जाएगा, है ना, ये आपके किताब में मिलेगा, जल्दी से खोजिए आप। इसके बाद एगो जो है यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक ये बना लीजिएगा, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए यानी प्रतिरोधों का यानी श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें, यानी कि 1-3 नंबर का बना लीजिएगा, और आपका मर्जी है, आप जो बना सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख रहे हैं 5 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे, 5 नंबर का। 3 क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, इसमें जो आपका मर्जी है, जो आप जानते हैं वो बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम जैसे बताएं वही बनाना है, आप जो जानते हैं वही बनाइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, और सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर मार दीजिए, ताकि आप ही तो फायदा ना ले, सभी फायदा ले इसका। यहाँ पे देखिए, या तो 9 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/u और 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, जो कि आपको भी एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछ दिया है। यहाँ पे इसके बाद आना है, देखिए 9 क्वेश्चन नहीं 12 क्वेश्चन था यहाँ पे टोटल, सॉरी 12 क्वेश्चन आपको दिया गया। क्रियाकलाप यहाँ पे एक्टिविटीज में आना है, देखिए जैसे बता रहे हैं वैसे आपको बनाना है, ज़्यादा बनाने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर से फिर क्रियाकलाप से आपको कितना बनाना है, इनमें दिया गया है टोटल 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें कितने क्वेश्चन है? हाँ 5 है। सेक्शन ए में कितना है यहाँ पे? टोटल का 12 क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें है 5, तो आपको इनमें से 1 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। एक एक करके एक इसमें से बना लीजिएगा, और एक एक इसको बना लीजिएगा, और एक इसको बना लीजिए, या इसको नहीं बनाइएगा तो यहाँ पे एक इसको बना लीजिएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन या 15, 1 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल गया, है ना, 1 क्वेश्चन आपका, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बना लेना है, सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद जो है 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ तक बनाने के बाद इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बना लेना है, एक इसमें से बना लीजिएगा, कोनो एक वो इसमें से बना लीजिएगा, तो ये सारा का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपकी किताब में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपके यानी कि बुक में ही, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। केमिस्ट्री का आप चाहते हैं, ये फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का भी चाहिए हमें, कमेंट करें, कम से कम आप जो है 100 लाइक पूरा दीजिए, और आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।